मैं एक बात आपके माध्यम से कहूं कि ये पहली बार नहीं हुआ। ईवीएम को लेकर के कुछ बहुत ही जेन्युइन सवाल है और उन सवालों में से अभी तक इलेक्शन कमीशन उनको निराकार करने में कामयाब नहीं हुआ। जैसे मसलन एक बार डिमोन्स्ट्रेशन किया तो हमने कहा लेट्स अलाउ अस टू टच द मशीन, तो बिना वो टच करने की इजाजत नहीं मिली। तो जाहिर तौर पर कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर उसमें मैनिपुलेशन की संभावना तो हमारे पास क्या विकल्प बचता है। किसी भी जनतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में उपकरण महत्वपूर्ण नहीं है, अंत महत्वपूर्ण है। आउटकम क्या है लोगों के मन में संदेह ना हो। दुनिया के बड़े बड़े देश ईवीएम इस्तेमाल करके वापस चले गए पेपर बैलेट पे। ना जाने क्यों हमारे इलेक्शन कमीशन को लगता है कि वो आर्टिकल 324 को मिसरीड करते हैं। वो किसी उपकरण के पक्ष में नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पक्ष में, जहां सबकी सहमति हो उस पर जाइए। दूसरा विकल्प है 100% वीवीपैट काउंट करिए, तो वो कहते हैं पर बहुत दिन लग जाएंगे, कई देशों में 2-3 दिन लगता है। और अब तो टेक्नोलॉजी गिनने की बहुत तेज आ गई है, पहले हाथ से वो गिनना नहीं, अब मशीन में डालिए ना। बड़े बड़े लोग तो नोट गिनने की मशीन रखते हैं, तो ये गिनना हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर बहुत शंका और संदेह है और इनका निराकरण लोकतंत्र के हर पहलू को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है। बट उन्होंने ये प्रमुख एजेंडे में इस मुद्दे को शामिल करना चाहिए। देखिए ये मुद्दा, इस पर कई दफा चर्चा हुई। अब कोई मुद्दा सामूहिक चर्चा के बाद किस प्रकार से एजेंडे में आता है वो तो मीटिंग में तय होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह। लेकिन सर एक सवाल, जैसे ही ईवीएम पे बहस आती है कि जहां आप लोग जिसको आजकल इंडिया अलायंस कहते हैं, जब वहां जीतते हैं तो मशीन ठीक होती है और बाकी के संभावनाओं पे आप लोग एतराज जताते हैं, इस बहस से नहीं, 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 मैंने कभी ये नहीं कहा। कम से कम मैं अपने दल को जानता हूं, चुनाव जीतने के बाद भी हमने ये नहीं कहा कि ये फुल प्रूफ सिस्टम है। और अभी हाल में अशोका यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी ने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल को अगर आप देखिए, जिस पर जिसके बाद उनकी नौकरी चली गई, उस आर्टिकल को अगर आप देखिए तो मैनिपुलेशन के कितने तरीके हो सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरा सर, कई तर्कों के साथ सवाल उठाए हैं उनके निर्माण शैली पर, आबो हवा पर, खुले जगह को लेकर, और संभावनाएं जो जताया वो 24 में बड़े बदलाव के साथ इसका सही इस्तेमाल हो सके। देखिए अब जाहिर है कि उनकी उनके ट्वीट को मैंने भी पढ़ा, उसमें कई पहलू हैं जिस पर चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह की इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में चले जाएंगे तो ये उसी तरह की बात होती है जैसे मोदी जी करते हैं कि अचानक से ये कर दो, अचानक से वो, बड़ी गहन चर्चा से होगा कि इसका बेहतर इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज जो मैं बता रहा हूं, जो ग्रेस और मैजेस्टी उस बिल्डिंग में थी। दूसरा एक बहुत अच्छा पहलू है, हम जब सदन में बैठते थे ना तो पक्ष का आदमी विपक्ष के पास बड़ी आसानी से जाकर के एक संवाद रहता था, एक सेंट्रल हॉल था। सेंट्रल हॉल सिर्फ चाय कॉफी की जगह नहीं थी, कई सारे स्टेलमेट वहां खत्म होते थे, आइस ब्रेक हुआ करता था। आज हमारे पास कुछ नहीं है, दो कैंटीन है, संगम 1 संगम 2, दोनों में 60-70 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सेंट्रल हॉल एक ऐसा स्पेस था जो स्पेस हमारे लोकतंत्र में बड़ी बड़ी चीजों, जब दुविधा की स्थिति हुई तो उसको रिजॉल्व कर लिया गया। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी को लोगों का मिलना जुलना, एक साथ बैठना नागवार क्यों गुजरता है, ये तो वही जाने। थाउजेंड्स ऑफ इंडिया, बट व्हाट अबाउट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट ही सेड इन द पार्लियामेंट अबाउट द नेक्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाइक दानिश अली। ये देखिए हम लोग कल से इस बहस में एक महत्वपूर्ण पहलू छोड़ रहे हैं। हमारे मित्र दानिश अली का प्रश्न नहीं है ये, और ये विधूरी साहब का भी नहीं है। दानिश को मैं कई वर्षों से जानता हूं, उसको उनके मिजाज को शायद अभी भी विधूरी जी नहीं जानते। मतलब आप ये समझिए कि इस देश में 9.5-10 वर्ष में एक जहरीली जुबान को पॉलिटिकल प्रीमियम मिला है। आप जितना जहरीला जवान बोलते हैं, किससे शिकायत करें हम साहब, बड़े पद पर आसीन व्यक्ति कहते हैं हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, रामजादे हरामजादे, गोड से सबसे बड़ा देशभक्त, जालीदार टोपी, अब ये लोग कहां कहां बैठे हुए हैं, किन किन पदों पे। तो जब एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को लग जाता है कि नफरत की जुबान बोल करके वो वोट की फसल काटती है, समाज छत विच्छत होता है। जो समाज में आज दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों के लिए आए दिन जिस प्रकार की भाषा होती है, उसका परिलक्षण संसद में अब होने लगा, मैं तो समझता हूं। और प्रधानमंत्री जी चुप है,
और पीछे दो व्यक्ति थे, दोनों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आप हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, आप शरीके गुनहगार हैं। हर्षवर्धन जी, रविशंकर प्रसाद जी, जब जब वो विजुअल चलेगा तब तब आप गुनहगार की श्रेणी में होंगे। कल तक जो विषय को कोटा, राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने 100% अफसोस जताया कि जब हमारी सरकार बिल को प्रेजेंट की थी तो इसमें नहीं रखा गया था ओबीसी का कोटा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसमें सुधार हो और जल्द ये चीजें। कितने नेताओं को जानते हैं इस देश में जो अपनी गलती स्वीकार करने की क्षमता रखते हो? राहुल जी से, उस समय लालू जी वगैरह जब ये बात उठा रहे थे, कांग्रेस का रुख दुख सरा था, लेकिन वक्त के साथ, समाज की धारा के साथ कांग्रेस ने अपने रुख में बदलाव किया। और इसलिए मैं कहता हूं आपके माध्यम से, बिल पास होने की उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी चर्चा इस बात की हो रही है कि किसको इससे दूर रखा गया, क्यों ये सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्यों ये एबीसी ओबीसी समुदाय को इनकॉर्पोरेट करने के पक्ष में नहीं है। ये बिल इसको आनन फानन में अनिश्चित कालखंड के लिए, निश्चित कालखंड में जो लेकर के आया ना, ये इन पर भारी पड़ गया। आज चर्चा गली चौक चौराहे नुक्कड़ पर हो रही है कि ओबीसी समुदाय के साथ ये धोखा आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों किया। इस बीच भाजपा ने एक चुनावी गठबंधन, अब इसको सफलता या असफलता तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, मतदाता बताएंगे। जहां तक मुझे स्मरण है, जेडीएस में एस का मतलब होता है सेक्युलर। क्या उन्होंने तय कर लिया है कि एस हटा दें? क्योंकि एस हटाए बगैर बीजेपी के साथ आप जा नहीं सकते। बीजेपी के तो इस शब्द से, इसके भाव से, इसके मर्म से चिढ़। ठीक है, सनातन धर्म कंट्रोवर्सी पे कमल हसन ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि एक युवा बच्चे को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। युवा बच्चे, बच्चा कहने से तात्पर्य उदयनिधि स्टालिन। मैं तो सीधे से तौर पर कहता हूं कि ये पूरी की पूरी चीज जो हो रही है बकवास है। सीवर में उतरने वाले की जाति क्या होती है, इस पर सब चुप है। बीजेपी बोले ना, कौन सीवर में उतर के मर रहा है? जातिगत जो सीढ़ीनुमा ये चीज है वो क्यों बरकरार है मेरे देश में? मेरे देश में अभी भी क्या परिस्थितियां हैं कि 90% की आबादी को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है? क्या इसको धर्म से समझा लेंगे? धर्म का मर्म यह होता है जो बुद्धा के धम्म। कोई भी मजहब हो, वो संविधान की इस किताब पर तौली जाएगी, उसकी रवायतें इस किताब पे तौली जाएंगी, और हर धर्म को बदलाव लाना होगा अगर समतामूलक समाज की परिकल्पना है। अब ये नहीं हो सकता कि एक तरफ संविधान में समतामूलक समाज बोले और दूसरी तरफ कहें कि नीच नीच ही रहेगा, ऊंच कुल होता है कोई, नीच कुल होता है कोई। कबीर को क्या कर लेंगे? मैं तो बार बार कहता हूं, कबीर आ जाएंगे तो आप उनको जेल में डालोगे, बेल नहीं मिलेगी उन्हें।